नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाजिर आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सा महत्वपूर्ण सा टॉपिक लेकर। हम बात कर रहे थे पिछले दो वीडियो में, जो चर्चा चल रही थी अपनी राजस्थान के प्रजामंडलों की, हम चर्चा की थी। जयपुर प्रजामंडल के डिटेल से हमने बात की, साथ में मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल को भी हमने सरल भाषा में समझा। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान का एक और प्रजामंडल, और उस प्रजामंडल का नाम है मेवाड़ प्रजामंडल। देखो, प्रजामंडल जो टॉपिक है वो बड़ा यूँ कहें मज़ेदार टॉपिक है। तब उस मेवाड़ प्रजामंडल की आज चर्चा करेंगे। छोटी सी क्लास में हम बातों में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेवाड़ प्रजामंडल क्या है, कैसे उसका आंदोलन चला और कहाँ से निकलकर सवाल आते हैं, केवल वही बातें हम करने वाले। तो शुरुआत में देखिए, तो मेवाड़ प्रजामंडल, कोई भी प्रजामंडल हम समझिए, तो प्रजामंडल को समझने से पहले हम देखते हैं कि एक आंदोलन चला था, जिसको बोलते हैं आंदोलन, क्या यूं कह सकते हैं, अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जहां से प्रजामंडलों की शुरुआत होती है, और उस अधिवेशन को बोलते हैं हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन की हमने चर्चा की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 फरवरी महीने में हुआ, और यहीं से कोई भी प्रजामंडल होता है यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के इस अधिवेशन में, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, वहां सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता की थी उस अधिवेशन की, एकमात्र अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस। तो इस अधिवेशन में ये कहा गया कि प्रजामंडलों को स्वीकार कर लिया गया, कांग्रेस ने कहा गया कि प्रजामंडल होने चाहिए रियासतों में, और राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रजामंडलों को भी या रियासतों को भी जोड़ना चाहिए। तो यहीं से मेवाड़ की कहानी शुरू होती है। तो ये जो हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1948 में हो रहा था, याद रखना फरवरी 1938 में ये जो अधिवेशन हुआ, फरवरी 1938 से कहानी स्टार्ट करते हैं हम, फरवरी 1938 में ये अधिवेशन हुआ। तो इस अधिवेशन में मेवाड़ के भी दो व्यक्ति, देखो मेवाड़ में पहले बिजोलिया आंदोलन चल रहा था, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, समय समय पर करवर्दी के विरोध में आंदोलन हो रहे थे, एक नेता थे माणिकलाल वर्मा, तो वो उनके नेतृत्व में, साथ ही भीलू में भी काफ़ी लोकप्रिय थे माणिकलाल वर्मा, तो एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे माणिकलाल वर्मा। लेकिन फिर भी जो बात कर रहे थे हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1948, तो मेवाड़ के दो व्यक्ति जिनमें एक का नाम था अमृतलाल और दूसरा का नाम था भवानी शंकर, तो अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर दोनों हरिपुरा अधिवेशन में शामिल होने के लिए गुजरात गए। और ये जो गुजरात में जाने के बाद में जब वापस आए, तो उन्होंने भी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का निश्चय किया। दो व्यक्ति गए थे, याद रख लेना आप, अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर। अब अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर फरवरी 1938 में हरिपुरा में गए, और उसके बाद में वापस जब मेवाड़ में आए, तो जस्ट बाद में हरिपुरा अधिवेशन के जस्ट बाद में आपने देखो जयपुर अधिवेशन पड़ा, पहले ही स्थापना हो गई थी हरिपुरा अधिवेशन से पहले। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल पड़ा, उसकी भी पहले स्थापना हो गई थी, लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल एक ऐसा था जो जस्ट हरिपुरा अधिवेशन के जस्ट बाद में हुआ। तो दो व्यक्ति हरिपुरा अधिवेशन में गए, वापस पधारे मेवाड़, और मेवाड़ आने के बाद में उनका जो काम था वो काम क्या था, प्रजामंडल की स्थापना करना। तो दूसरा जो है वो प्रजामंडल की स्थापना करना था। तो वापस आए और 24 अप्रैल, याद रख लेना 24 अप्रैल 1938 को इस प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को की। फरवरी में गए थे हरिपुरा, वापस आए, वहाँ देखा, वह बातें सुनी हरिपुरा में कि प्रजामंडल बनाए जाने चाहिए, राजनीतिक चेतना के लिए संगठन बनाने चाहिए। दोनों आए अमृतलाल भवानी शंकर, लोगों को कहा कि यार हमें भी एक संगठन बनाना चाहिए, प्रजामंडल बनाना चाहिए। तो अब 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है, मैं कह रहा था 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। तो एक नेता थे, एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था बलवंत सिंह मेहता। तो बलवंत सिंह मेहता के घर पर बैठक हुई, इसकी स्थापना हुई, इसलिए बलवंत सिंह मेहता को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने, बलवंत सिंह मेहता। एक और नेता थे जिनका नाम था भूरेलाल बया, तो उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। और जो मेवाड़ प्रजामंडल के सबसे दिग्गज नेता थे, जो मेवाड़ में उस समय सबसे दिग्गज कद्दावर नेता थे, माणिकलाल वर्मा, उनको मेवाड़ प्रजामंडल का महामंत्री बनाया गया। तीन व्यक्ति, तीन स्तंभ थे, बलवंत सिंह मेहता,
भूरीलाल बया और माणिक्यलाल वर्मा। 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हो गई। स्थापना होते ही इस जो संगठन था, नया नया संगठन था, पहले 1931 से उदयपुर में आंदोलन चल रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे, और मेवाड़ वैसे भी यूं कहे मेवाड़ हर मामले में आगे रहता है, तो आंदोलन में आगे थे। जो ही संगठन की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को, तो बड़ी तेजी से इसके संगठन के सदस्य जुड़ने लगे। एक दो दिन में ही लगभग 2000 सदस्य जुड़ गए। उदयपुर के शासक भूपाल सिंह बड़े नाराज हुए कि यार एक संगठन इतने तेजी से विकास कर रहा है और ये अड़ंगा डालेगा, तो वहाँ की सरकार जो है वो नाराज हो गई। और उसके बाद में मैं बात करूँ तो मेवाड़ प्रजामंडल में सीधी सी कहानी है, प्रतिबंध लगा दिया गया 11 मई। देखो कहानी फरवरी से स्टार्ट हुई, फरवरी 1938 से हरिपुरा अधिवेशन हुआ, 24 अप्रैल को प्रजामंडल स्थापित हुआ, और मई का महीना आते ही 11 मई को इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब लगा दिया गया? 11 मई 1938 को। और साथ ही वर्मा जी को, माणिक्यलाल वर्मा जी को कहा कि आप मेवाड़ छोड़ के भागो। सरकार ने, वहां की सरकार ने कहा, मेवाड़ के शासकों ने कहा, मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने कहा कि माणिक्यलाल वर्मा को वहां से निष्कासित कर दिया गया कि आप जाओ यहां छोड़ के, यहां पंचायत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि उनको डर लग रहा था कि भाई ये रहेगा तो फिर तो आंदोलन होने। तो माणिक्यलाल वर्मा और एक और व्यक्ति हुआ करते थे, रमेश चंद्र व्यास। देखो 1935 में एक घटना हुई थी, 1935 में अजमेर में एक घटना हुई थी, भीलवाड़ा के थे, अजमेर में एक घटना हुई थी, डोगरा कांड। हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक अंग्रेज अधिकारी था डोगरा, तो उस डोगरा कांड में उस डोगरा पर उन्होंने बम फेंका था। ज्वाला प्रसाद एक व्यक्ति थे वो, और उसके सहयोगी थे रमेश चंद्र व्यास, तो इस डोगरा कांड में शामिल थे, लेकिन इनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले इसलिए इसे छोड़ दिया गया। तो मेवाड़ की सरकार को भी पता था कि यार ये एक वर्मा जी लोकप्रिय है और एक रमेश चंद्र व्यास लोकप्रिय, तो इन दोनों को मेवाड़ प्रजामंडल से कहा आउट, बाहर निकलो, आप रहोगे तो आंदोलन होगा, इसलिए इन दोनों को बाहर निकाल दिया गया। अब माणिक्यलाल वर्मा जी जब मई 1938 को इनको निष्कासित किया गया, तो अब क्या चारा था उनके पास, क्योंकि मेवाड़ के ही थे, तो ये सीधे पहुंचे महात्मा गांधी से मिलने। महात्मा गांधी उस समय बड़े नेता थे, तो महात्मा गांधी या कांग्रेस के कहने से ही तो प्रजामंडल स्थापित किया था, और प्रजामंडल के बाद में उनको तो देश निकाला दे दिया। तो महात्मा गांधी के पास पहुंचे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि चलो आपको निष्कासित कर दिया गया, कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, अजमेर जाकर इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करो, यार मेवाड़ में नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, आप अजमेर में सारे नेता देखो, आपने मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा, उसमें भी जयनारायण व्यास अजमेर आ गए, यहां मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, तो वहां भी बड़े नेता को अजमेर आना। अजमेर आने का कारण यह था कि देखो अजमेर बिल्कुल राजस्थान के सेंटर में था, और उस समय सीधा अंग्रेजों के अधीन था, और बाकी तो अलग अलग रियासतें थी। आपने राजस्थान के एकीकरण में पढ़ा कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो अजमेर नेता आते इस वजह से थे क्योंकि राजाओं का प्रभाव हुआ नहीं था अंग्रेजों का, और अंग्रेज ज्यादा ध्यान नहीं देते थे छोटी मोटी बातों पर, ध्यान उनको बड़े मसले थे, उनके पास छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। तो माणिक्यलाल वर्मा आ गए अजमेर। अब कहानी आगे बढ़ती है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हम कि अजमेर आने के बाद में हुआ क्या कि जो नेता थे भूरीलाल बया, नेता माणिक्यलाल वर्मा सबसे बड़े नेता थे, अजमेर आ गए। अब दूसरे नंबर के नेता थे भूरीलाल बया, तो भूरीलाल बया को वो भी भागे गांधी जी के पास वर्धा में, मिलने गए गांधी जी से और कहा कि क्या करना चाहिए अब, तो गांधी जी ने कहा भाई सत्याग्रह करो आप, तो वर्मा जी उधर बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप सत्याग्रह करो, लोगों को जागरूक करो, आंदोलन करो और सफलता मिलेगी। गांधी जी ने भूरीलाल बया को ये कहा, तो भूरीलाल बया जो ही गांधी जी से मिलकर सत्याग्रह की बात को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेन में उदयपुर आए, तो उदयपुर स्टेशन पे ही भूरीलाल बया को कर लिया गया गिरफ्तार। और उनको भूरीलाल बया को गिरफ्तार करके एक जेल हुआ करती थी सराड़ा की जेल, सराड़ा की जेल जो थी वहां भेजा गया। सराड़ा इसको मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी, जैसे भारत में
सेलुलर जेल हुआ करती थी अंडमान की, वैसे मेवाड़ का कालापानी जो था वो थी सरला की जेल कालापानी। तो भूरेलाल भैया जी को भेज दिया गया सरला में, जेल नजरबंद कर दिया गया। अब माणिकलाल वर्मा अजमेर में, भूरेलाल भैया है वो सरला की जेल में नजरबंद। अब क्या है, लेकिन ये निर्धारित हुआ, भूरेलाल भैया ने निर्धारित कर दिया था, जब उनको पकड़ा गया था तो रेलवे स्टेशन पे ही कह दिया कि विजयदशमी के दिन हमें सत्याग्रह करना है, विजयदशमी के दिन स्टार्ट करना है सत्याग्रह। इसलिए उनके जाने के बाद में 4 अक्टूबर 1938 को जिस दिन विजयदशमी पड़ती है उस दिन को सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया उदयपुर में। और मेवाड़ जो सरकार थी वो सत्याग्रह करवाना देने नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में सत्याग्रह नहीं होना चाहिए, आंदोलन नहीं होना चाहिए, जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए, प्रजामंडल अवैध है, सब कुछ बंद है। तो सत्याग्रह किया गया और पीछे से जो बचे वो थी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी, उनकी एक पुत्री थी स्नेहलता, और एक और महिला थी मास्टर प्यारेलाल विश्नोई की पत्नी थी भगवती देवी। ये तीन महिलाओं ने इस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तारी दी। सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, मेवाड़ सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। कई बार सवाल पूछा जाता है भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से, इस प्रकार के सवाल आजकल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना, भगवती देवी, नारायणी देवी और स्नेहलता जो थी इनके नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया, इन तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सत्याग्रह कहानी आ गई 1938 का अक्टूबर महीने में। अब उधर जो थे, उधर आप देखोगे तो उधर जो थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे अजमेर में, तो उनके हालचाल देखो आप, उनके हालचाल देखोगे आप तो वर्मा जी अजमेर में थे, तो अजमेर में उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी जिसका पुस्तक का शीर्षक था मेवाड़ का वर्तमान शासन। याद रख लेना, मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस किताब में क्या था, इस किताब में यह था, इस किताब में यह था कि मेवाड़ का जो शासन चल रहा था इसकी कटु आलोचना की थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। वर्मा जी ने कहा कि मेवाड़ का शासन जो वर्तमान शासन है वो ऐसा है, चोर है, बदमाश है, कमीना है। तो इस प्रकार उसमें मेवाड़ के जो शासन था उसकी आलोचना की। अब वहां के राजा, वहां की सरकार, मेवाड़ की सरकार खुश नहीं थी वर्मा जी से कि यार इसको देश से निकाल दिया, तो फिर भी अजमेर में पड़ा पड़ा पंचायती कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि 2 फरवरी 1939 को वर्मा जी को मेवाड़ की सरकार के सैनिकों ने कहा कि आप है, आपसे बात करनी है, आप बॉर्डर पे आ जाओ, क्योंकि अजमेर में तो अंग्रेजों की शासन था, उधर मेवाड़ पड़ता था, तो कि आप हमें आपसे बात करनी है, आप आओ। तो जो ही वर्मा जी, एक गांव है ऊंचा गांव, तो ऊंचा गांव में आए, ये पड़ता तो अजमेर में था, लेकिन जहां जब ये यहां आए बातचीत के लिए तो धोखे से उनको गिरफ्तार कर लिया गया 2 फरवरी 1939 को। और कहा जाता है कि यहां वर्मा जी के साथ बड़ी अभद्रता और बड़ी अमानुषिक यातनाएं वहां दी गई, कहते कपड़े फाड़ दिए, उनको पीटा गया, घसीटा गया। तो वर्मा जी को वहां से पकड़कर और जेल में डाल दिया गया। अजमेर का ये ऊंचा गांव था, यहां से उनको पकड़ा गया था और उसके बाद में जेल में डाल दिया गया। और इस खबर का, एक गांधी जी का अखबार चलता था हरिजन, तो उसमें इसकी आलोचना हुई थी गांधी जी का। राजस्थान की ज्यादातर जो घटनाएं थी, गांधी जी का जो हरिजन अखबार था उसमें इनकी आलोचनाएं होती थी। तो माणिक्यलाल वर्मा की जब गिरफ्तारी हुई, उनके साथ अमानुषिक अत्याचार हुए, पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, घसीटा गया, तो इसका हरिजन नामक अखबार में गांधी जी ने इसकी आलोचना की। माणिक्यलाल वर्मा को ले जाकर पटक दिया गया उदयपुर में, 2 साल की सजा, मारो जूते, सरकार राजाओं का शासन था। ये माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे अधिकारों की बात, अब राजाओं को स्वीकार नहीं था, इनको डाल दिया गया जेल में, 2 वर्ष की सजा हुई। 1939 को पकड़ा गया, 1941 तक उनको सजा थी 2 साल की। अंदर जाते ही स्वास्थ्य गड़बड़ाने लग गया माणिक्यलाल वर्मा का, तो 1940 में उनको छोड़ दिया गया, 1940 में उनको छोड़ दिया गया। और
हुआ क्या फिर? फिर कहानी को हम आगे बढ़ाए तो हुआ ये कि 1940 में उनको छोड़ दिया गया। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि यार चलो ठीक है, अब तो सुधर जाएंगे, माणिकलाल वर्मा के इतना घसीटा है हमने, इतना पीट लिया यार माणिकलाल वर्मा, अब तो मान जाएंगे, तो कुछ छूट दे दी गई। इसीलिए 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल जो बना हुआ था 1938 को, 24 अप्रैल 1938 को जो बना था, उसका प्रथम अधिवेशन हुआ 1941 को। कब हुआ? 25-26 नवंबर 1941 को ये जो था, ये इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। और कहां हुआ? उदयपुर में। और आचार्य कृपलानी भी इस अधिवेशन में आए थे। अधिवेशन हो गया 1941 तक, ठीक था। राजाओं ने भी कहा कि चलो थोड़ा सा सुधार करेंगे। इधर माणिकलाल वर्मा को भी छोड़ दिया गया, प्रजामंडल का अधिवेशन भी हुआ। अधिवेशन हुआ, अच्छा अधिवेशन हुआ, माणिकलाल वर्मा भी जोश में थे। अब कहानी कहां जाती है? 41 के बाद में देश में देखा जाए तो देश में आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक का मुंबई से इसका शुरुआत हुई। गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया। तो इस सम्मेलन में माणिकलाल वर्मा भी वहां गए, मुंबई गए, और भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर भारत छोड़ो आंदोलन के जो कार्यक्रम थे उनको मेवाड़ में भी शुरू करने का निश्चय किया। एक बहुत और कहानी आती है, जब वो मुंबई में भाग लेकर वापस मेवाड़ आ रहे थे तो रास्ते में गुजरात क्षेत्र में उनके कोई दोस्त थे तो वहाँ रुक गए। तो उनके दोस्तों ने पूछा कि वर्मा जी अब क्या विचार है, देश में तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, आपका क्या विचार है? वहाँ तो जाते ही राजा जी को तो आप जानते ही हो, पहले भी आपको अजमेर से पकड़ के क्या क्या किया था, अब क्या विचार है? तो उन्होंने कहा था कि हमने तो हर बार हर हर महादेव बोला है और इस बार भी बोलेंगे। एक स्टेटमेंट था उनका कि हमने तो हर बार हर हर महादेव बोला है और इस बार भी बोलेंगे। हर हर महादेव का मतलब कि मेवाड़ की सेना या मेवाड़ राज्य की बात करें तो मेवाड़ का राजा है, राजा जो होता था वो खुद शंकर या एकलिंग के दीवान खुद को मानते थे। और जब भी युद्ध होता था तो सैनिक बोलते थे हर हर महादेव और करके आक्रमण करते थे। तो कि हमने तो मेवाड़ की तो परंपरा रही है, कब आप इतिहास उठा के 1000 साल का इतिहास उठा के देख लो, हमने तो कभी हार नहीं मानी, हर हर महादेव करके हमला किया हमने, अब भी मैं पीछे नहीं उठूंगा और अब भी हर हर महादेव बोलूंगा। कहने का मतलब चाहे मुझे मारे चाहे पीटे चाहे घसीटे, मैं तो आंदोलन करूंगा। मेवाड़ आए, मेवाड़ आते ही राजा जी को धमकी दे दी 20 अगस्त 1942 को। धमकी क्या दी कि आपको अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करना है, नहीं करोगे हम आंदोलन करेंगे, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? राजा जी का नहीं, वहां की सरकार ने कहा नहीं। तो इस जो अल्टीमेटम था क्या अल्टीमेटम था कि आपको राणा को चेतावनी दी कि अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लो। राणा ने उसकी स्वीकार नहीं की इसकी बात, तो इनको वर्मा जी को जेल में डाल दिया गया और साथ में उनकी पत्नी नारायणी देवी। देखो आपको मैं बता दूं कि जो माणिकलाल वर्मा थे उनकी 5 पुत्रियां और 1 पुत्र थे, एक ही पुत्र था सबसे छोटा, दीन बंधु बेचारा, दीन बंधु गरीब बंधु, 5 लड़कियां थी, तो पूरी आधी टीम थी क्रिकेट की। तो पहले आपने पढ़ा था कि नारायण देवी की एक पुत्री थी स्नेहलता, तो उसको जेल में डाला गया था पहले आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। इस बार नारायण देवी और उसकी गोद में था दीन बंधु, 6 माह का था ये उस समय, तो 6 माह का दीन बंधु और वही भगवती देवी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि महिलाओं में ये दो नेता बढ़िया थी, भगवती देवी और नारायणी देवी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उधर माणिकलाल वर्मा को उदयपुर जेल में डाल दिया गया। ये कहानी चल रही है 1942 तक। माणिकलाल वर्मा को समझाया कि यार समझ जा कौन सा अंग्रेजों से संबंध विच्छेद की कौन सी धमकियां दे रहा है, समझ जाओ। लेकिन वर्मा जी समझे नहीं। अब देखो तो उस समय मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो हुआ करते थे टीवी राघवाचार्य।
कांग्रेस के नेता थे, बाद में आप पढ़ोगे टीवी राघवाचारी के बारे में। तो टीवी राघवाचारी ने एक व्यक्ति को भेजा सी राजगोपालाचारी को माणिकलाल वर्मा को मनाने के लिए जेल में। सी राजगोपालाचारी वो ही अंतिम गवर्नर जनरल जिन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। तो टीवी राघवाचारी ने सी राजगोपालाचारी को कहा कि यार आप वर्मा जी को समझाओ कौन सी ये जिद कर रहे हैं कि संबंध विच्छेद कर लो नहीं तो मैं मार दूंगा, आंदोलन कर दूंगा, ये कर दूंगा, और समझाओ यार, समझ जाएंगे, समझदार आदमी, क्यों नहीं समझाते आप। वर्मा जी को समझाने के लिए सी राजगोपालाचारी को भेजा गया। वर्मा जी नहीं समझे कि हमें तो या तो संबंध विच्छेद करो या लोगों को संवैधानिक अधिकार दो, आप यहां विधानसभा बनाओ, संविधान बनाओ, और चुनाव द्वारा लोगों को अधिकार होने चाहिए अपने प्रतिनिधि चुनने का, और कानून वो बनाए, ये राजा जी ये बीच में जो अत्याचार चल रहा है उसको बंद करो। वर्मा जी ने ये बात मानी नहीं। अब माने नहीं तो फिर क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में 1946 की कहानी आती है। 1946 में मैंने प्रजामंडल पढ़ाया था तो आपको एक पढ़ाया था कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ था बंबई में 1927 में। रामचंद्र राव उसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो इसी का सातवां अधिवेशन जो है वो 1946 में उदयपुर में हुआ। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ 31 दिसंबर 1945 से और 1 जनवरी 1946, मतलब नए साल 1946 जब लगा था, न्यू साल, न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तरह मान सकते हो, 45-46 के बीच में इसका अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू भी इसमें आए थे, सातवां अधिवेशन था ये, सातवां अधिवेशन। एक बार सवाल आया हुआ था एक परीक्षा में, मुझे याद नहीं है अधिवेशन कौन सा, कि सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन थे, उदयपुर, भोपाल, मुंबई, लाहौर। तो सातवां अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे, और उसके साथ शेख अब्दुल्ला भी आए थे, बड़े मित्र थे इनके, तो वो भी आए। नेहरू जी ने कहा कि ठीक है यार, 46 का साल आ गया, देश आजाद होने वाला है, अब तो 12 महीने 2 साल में आजाद हो ही जाएगा, तो आप क्यों नहीं ये मेवाड़ प्रजामंडल इनकी मांगों को क्यों नहीं मानते, आप मानना चाहिए आप, नहीं तो 1-2 साल में यदि आप नहीं सुधरे तो पूरे देश में फिर तो वही होना है, सारे राजा हट जाएंगे, और वही हुआ। तो नेहरू जी ने समझाया 31 दिसंबर इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में। लेकिन इतने जल्दी राजा जी समझने वाले नहीं थे, लेकिन राजाओं को भी पता था कि यार नजदीक आ रहा है, लोकतंत्र आने वाला है, ये सुख बुगाड़ तो होने लग गई थी। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे 1946 के बाद में अंतिम सफलता प्रजामंडल को मिलना स्टार्ट हो गई। कैसे प्रजामंडल को सफलता मिली तो वो ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझोगे आप तो देखो, 8 मई 1946 का दिन आता है, 8 मई 1946 को एक कमेटी बनी जिसमें किसकी अध्यक्षता में, ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में, एक व्यक्ति थे ठाकुर गोपाल सिंह, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी गई और कहा गया कि एक संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाती है, संविधान निर्माण करेगी एक कमेटी बनी ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में। लेकिन प्रजामंडल के इसमें कहा गया कि 5 सदस्य भी होंगे संविधान निर्मात्री सभा में और 6 सदस्य होंगे विभिन्न जागीरदार और राजा के द्वारा मनाने, तो 5+6 की एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण की घोषणा हुई गोपाल सिंह के नेतृत्व। कमेटी ने कुछ दिन रिसर्च करने के बाद में सिफारिश दी, लेकिन कहा कि संविधान बनना चाहिए, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने मुछों पिताओ दी के कहा कि ये बात तो जमी नहीं यार, हमने हजारों साल से राज किया है, कौन से अधिकार, क्या अधिकार। सिफारिशों को सरकार ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, मामला ठंडे बस्ते में। उधर आंदोलन माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में चल रहा था, सरकार पर दबाव डाला जा रहा था, लोग एकजुट होते जा रहे थे। मई के बाद में आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्टूबर 1946 को मोतीलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को इस कमेटी में, जो संविधान निर्मात्री थी या जो कार्यकारी परिषद होती थी राजा की, उसमें 2 सदस्य जो थे वो मनोनीत किए गए राजा के द्वारा, जो कि ये आपके प्रजामंडल से जुड़े हुए लोग थे। कौन थे, मोतीलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी। ये मोहनलाल सुखाड़िया है, नहीं है, मोतीलाल सुखाड़िया लिखा हुआ है। इसके बाद में 3 मार्च 1947 को
मेवाड़ के संविधान की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि 46 सदस्य एक धारा सभा बनेगी। 46 सदस्यों में 18 सदस्य जो प्रजामंडल के थे और 28 सदस्य राजा और वो जागीरदारों के थे। तो 46 सदस्यों की एक धारा सभा बनाई जाएगी जो कानून निर्माण करेगी। ये धारा सभा आपके अजमेर में भी थी, तो धारा सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया। अब देखो कुछ कुछ सफलताएं मिलने लग गई थी, धारा सभा कम से कम ये तो बनी। तो अब धारा सभा बनने के बाद में देखा जाए तो मेवाड़ प्रजामंडल में जो मेवाड़ रियासत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राघवाचार्य। अब राघवाचार्य से नाराज थे लोग, क्योंकि सफलताएं संविधान बड़ा नहीं था, तो राघवाचार्य की जगह एक व्यक्ति बने जिनका नाम है मनोहर सिंह बेदला। तो मनोहर सिंह बेदला को प्रधानमंत्री बनाया गया और व्यक्ति थे के एम मुंशी, आप बार बार जिक्र इनका पढ़ोगे, के एम मुंशी को सलाहकार बनाया गया राजा के द्वारा, ठीक है। तो 23 मई 1947 को उसके बाद में संविधान बनाया गया और प्रजामंडल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो 23 मई 1947 तक ये 48 तक संविधान बन गया, तैयार हुआ। फरवरी 1948 को चुनाव हुए जिसमें प्रजामंडल को सफलता मिली और अंतिम रूप से देखा जाए तो प्रजामंडल सफल रहा। एक घटना अंतिम रूप में हो गई थी, वहां गोलीकांड हो गया था, वो हुआ था 5 अप्रैल 1948 को। अब देखो सरकार बन गई थी, चुनाव हो गए थे, प्रजामंडल को सफलता मिली थी, संविधान बन गया था, विधानसभा बन गई थी 46 सदस्य की, और उसके बाद में चुनाव, चुनाव के बाद में जो मंत्रिमंडल बनाना था तो उस मंत्रिमंडल को लेकर राजा और प्रजामंडल के बीच में विवाद स्थिति पैदा हो गई और बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए, आंदोलन चल रहा था राजा के विरुद्ध। और ये घटना आती है 5 अप्रैल 1948 की। 5 अप्रैल 1948 को पुलिस ने गोलीबारी में दो व्यक्ति मरे थे, शांतिलाल और आनंदीलाल मारे गए। ये दो विद्यार्थी थे, आंदोलन चल रहा था, तो इन दो विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई थी, एक शांतिलाल थे एक आनंदीलाल थे। इन दोनों की अंतिम घटना ये थी 5 अप्रैल 1948 के बाद में। आप राजस्थान के एकीकरण में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के एकीकरण में किस प्रकार संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ रियासत का विलय हुआ। तो देखा जाए तो 1938 से लेकर 1948 तक का जो प्रजामंडल का कार्यकाल था, हालांकि मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ते हो आप तो वहाँ प्रजामंडल का ज़्यादा अलग अलग संस्थाएँ बनती थी, लेकिन यहाँ 38 से 48 तक 10 साल के कार्यकाल में प्रजामंडल को काफ़ी सफलताएँ मिली थी। छोटा सा टॉपिक है मेवाड़ प्रजामंडल और यहाँ इससे बाहर नहीं आता। तो ये जानकारी थी मेवाड़ प्रजामंडल की, आशा है आपको समझ में आई होगी। इजी भाषा में समझाने का मोस्ट मोस्ट चीज़ों की हमने चर्चा की है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी और आपकी परीक्षा में काम की भी रहेगी। यदि समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब नहीं करती हो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके कोई पैसे वैसे लगते नहीं है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन जरूर कर लो। एक नया वीडियो जिसमें बीकानेर प्रजामंडल की हम बात करेंगे और वो वीडियो देखना है तो बेल आइकन ऑन जरूर कर ले, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बीकानेर प्रजामंडल के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।